निकल जाएंगे इससे, अब इंदौर ही थी तो मैंने कहा कट ले, आप समझ जाएंगी निकल लेने का है मैम स्टॉक्स इस पोजीशन से। स्वाति अगला सवाल कौन सा? जी सर, जीटीएल इंफ्रा के मेरे पास 6,450 शेयर हैं, 135 की बाइंग है, तो मैंने इस हिसाब से लिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है, 5G वगैरह आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपसाइड दिखाए ये, तो क्या राय है जानना चाहूंगी, या प्राइस पे आने पे निकल जाएं? आपने पेनी स्टॉक पे पंट लिया, आपने जो फंडामेंटल स्टडी करे थे उसका कोई लेना देना नहीं कंपनी के साथ, क्योंकि वो कहानी बहुत पुरानी थी, बहुत जी सर। दिक्कतों में एक कंपनी है जीटीएल इंफ्रा, ये बड़ा आपने बहुत रिस्क ले लिया। एक अब मानस क्या करें, कट लें क्या इधर भी? 1.35 पे है क्या, 1.30 पे चल रहा है, 5 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है, ये चार्ट वाट में दिख रहा है 1 रुपये 35 वाला, 1.5 भी हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा मानस। बात सही है आपकी। देखिए, लेकिन मैं स्वाति जी को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आप स्टोरी सही होना एक अलग चीज है, आप किसी स्टोरी पे प्ले कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ उस स्टोरी से आप किस स्टॉक को कनेक्ट कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो अगर आप सही स्टॉक उस स्टोरी के लिए नहीं पकड़े, तो उस स्टोरी में अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ भी जाएगा तो शायद आपके स्टॉक के प्राइस में मूव नहीं आएगा। तो जीटीएल इंफ्रा उन्हीं में से एक स्टॉक है जहां पर फंडामेंटल्स वीक लगते हैं, और मेरा समझना यह है कि ऐसे पेनी स्टॉक में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। अगर आपको इस स्टोरी में ही प्ले करना है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहां पर प्ले करिए। फिलहाल के लिए स्टॉक में मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि चार्ट पे बिल्कुल भी चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने फंडामेंटल स्टडी करते करते 1 रुपए 30 पैसे पे कैसे पहुंच गए मैडम? जीटेल इंफ्रा कैसे आया? निफ्टी फिफ्टी, नेक्स्ट 50, S&P 500, कुछ भी छोड़ के इतना आगे कैसे पहुंच गए फंडामेंटल स्टडी करते करते? जी कहीं सर, से आइडिया वो आया था? देखा थोड़ा प्राइस कम था, इस वजह से मैंने सोचा कि आई थिंक क्या पता अगर 10-20 पैसे भी बढ़ता है, तो जैसे अभी 2-3 दिन पहले 45 पे गया है, सो उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं वहां पे निकल जाती। नहीं ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, मानस का तो कोई व्यू नहीं बन रहा है, आप भी मौका देख के निकलिएगा, हो सकता है जहाँ 2.5 रुपए का हाई बना था पहुंच भी जाए किसी दिन, पंट स्टॉक्स में पंटिंग होती रहती है, लेकिन अपने को इतना बड़ा रिस्क लेने का नहीं, हैपेटाइट नहीं है तो छोड़ देने का, एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा मैम। नीलम जी अगली क्वेरी कौन सी? जी, गोकुल रिफॉइल से जो मैंने 5,000 शेयर लिए थे, 40 40 रुपए